अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे अपने घर में। और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे शाम में निकलना था। जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मुझे आज कहीं जाना है, तो मुझे कहाँ जाना है ये देखने के लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग वॉच करना होगा। लेकिन आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ आपको सबसे मिलवाऊंगी। सो अभी मैं फटाफट से तैयार होने जा रही हूँ और मैं तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज़, एक बात आप लोगों को बतानी थी कि मैं रेडी होकर खैर मिलती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे कॉमेंट्स करने हैं। जो भी लाइक करते हैं तो कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि कौन लोग लाइक कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। सो यार कर दिया करो लाइक, नहीं लगते पैसे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मुझे जल्दी जल्दी 1K करवा दें, क्योंकि अब तो मैं डेली 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 डाल रही हूँ ना व्लॉग्स यार, तो क्या मसला है। तो डेली रूटीन शेयर करने में मेहनत लगती है भाई, शूट करना, एडिटिंग करना, तरस आओ यार बच्ची पे। जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आपको एक चैनल का नाम बताऊंगी, उस पर भी आपने जल्दी से जाके उनको भी बहुत सारा सपोर्ट करना है। बहुत अच्छी अच्छी सी वो रेसिपीज़ लेकर आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा मतलब मुझे उनके चैनल ग्रो नज़र आ रहा है। बिकॉज़ अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, अच्छा जो है वो खाना बना रही हैं या अच्छी चीज़ों को वो कर रही हैं, केक वेक्स भी बना रही हैं, अच्छी चीज़ें हमारे तक लेकर आ रही हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो उनके चैनल पे भी आपने जल्दी से जाना है, सब्सक्राइब करना है। तो उस चैनल का नाम मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, तो जब तक जल्दी से आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला वेयर कर लूँ, यही वेयर कर लेती हूँ, इस पर हल्की फुल्की प्रेस की नीड है, तो चलें फटाफट से वेयर करती हूँ ये वाला ही ड्रेस। जी गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपना बहुत ही मोस्ट फेवरेट कलर वेयर किया है एज वेल, पिंक। मुझे बचपन से ये कलर बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के बेटे की बर्थडे पे। सो हम सब बहुत इंजॉय करने वाले हैं और देखते हैं कौन किस किस को इन्वाइट किया हुआ है, कौन कौन आ रहा है। तो वहाँ जाकर अपने फ्रेंड से आज काफ़ी टाइम में बहुत मुलाकात होने वाली है। सो आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, इन्जॉय करना है, तो चलिए मेरे साथ। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भाई मुझे मोटिवेशनल मिलती ही नहीं है, मैं क्या करूँ, दिल नहीं चाहता मेरा वीडियो बनाने का। जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छा सा मैं तैयार हुई हूँ और आप लोगों ने सबने कमेंट्स में बताना है कि मैं लग कैसी रही। सो तैयारी इन लोगों की भी दिखा देती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। आप नौ समय बिल्कुल ठीक हो? आपके सामने तैयार बैठी हुई हूँ, जल्दी जल्दी से बस 5 मिनट में तैयार हुई हूँ। और हम जहाँ जा रहे हैं वो भी लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, आप लोग समझ जाएंगे। मैं बता चुकी हूँ यार, आप क्यों सस्पेंस ख़राब करती हैं, क्यों बताया आपने? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको सब कुछ थोड़ी ना पता है। तो हमदान की कुछ ये तैयारी है, गाड़ी आ गई, बस अब फटाफट निकल रहे हैं और वहीं जाके मिलती हूँ आपको। ठीक है, ऐसा हमदान को भी देख सकते हैं, माशाल्लाह से फुल रेडी हो चुके हैं, शूज़ पहनने हैं, बस जल्दी से हमारी गाड़ी आ गई और निकलेंगे, वहीं जाके मिलते हैं आपको। गाइस तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं लोकेशन पे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बाहर सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा लाउड हैं, इसलिए मैंने बाहर ब्लॉग नहीं बनाया। रूम में आके मैंने मानो से डोर बंद करवाया, मैंने कहा यहाँ पे हम थोड़े से शूट करते हैं और जैसे ही गाने स्लो होंगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बाहर कितने मज़ेदार से इवेंट स्टार्ट हो गया है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो सरप्राइज़ देना था लेकिन ये खुद ही, लेकिन मैं खुद जाती हूँ, मैं भी खुद हो जाती हूँ। तो हम आए विनेश के बर्थडे के ये बर्थडे में माशाल्लाह इतना प्यारा तैयार हुआ, तो बली में मैं क्या करूँगी, मैं बारात में क्या करूँगी, मैं बारात बारात में जाना होता है यार। हाँ तुमने बता क्या, सारा राज खोल दिया। देखो अभी जवानी वाली फीलिंग्स आ रही है, तुमने फौरन बता दिया बेटे की बर्थडे। सो गाइस मैंने जैसे कि आने से पहले आपको उससे जिक्र किया था कि मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, विनेश, जो कि बहुत प्यारी है। इग्नोर ये कट कर दूँ, नहीं वही समझ गए ना, वही समझ हाँ, गए ना। तो हम लोग साथ में बहुत सारा काम भी कर चुके हैं और झुड़ोलिए झाड़ू भी लगा चुके हैं जी। नहीं आज वीडियो सबने देखी थी ब्लॉग पे, और आज बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक हमारे बच्चे की नसीब अच्छी करे, बहुत सारा कामयाब करे। ये आई बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल से आती है यार। तुम रहो या मैं बहुत दूर रहती हूँ, एक एक
कोने पे रहते हैं, ऐसा है कि कोने पे रहते हैं। बात है, तो बस फिर मिलना भी जरूरी होता है, जाहिर सी बात है। और बिनिश बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो मैं ऑन कैमरा था, मैं अभी तो कहती काली लग रही। नहीं नहीं, तो ऑफ कैमरा बोल रही, देखो तुमने खुद बोल। अच्छा अच्छा, देखिए मैं क्यों, और मुझे बताएं कि मैं काली लग रही हूँ या नहीं लग रही। एक बटन लगाने की मेरी आदत नहीं है, तुम PSL कर रही हो ना। हाँ यार, PSL कर रही हूं, कल लास्ट PSL जो कर रही है, जाहिर सी बात है ग्राउंड में इतना ज्यादा जो है वो धूप होती है, गर्मी होती है, तपिश है, जिसकी वजह से इसका रंग जल रहा है। हालांकि चेयरमैन बॉक्स की साइड पर होती है PCB गैलरी। चॉकलेट यार, इस कलर में ना अट्रैक्शन है, इस कलर में अट्रैक्शन है भाई। कमेंट्स में बताइएगा मेरी दोस्त कितनी प्यारी लग रही है, इस कलर में अट्रैक्शन है या नहीं, ये भी बताइएगा। प्लीज यार कर दिएगा तारीख, दिल रखिएगा बच्ची का। नहीं नहीं, जो सच है वो बताइएगा, जो सच है वो बताइएगा। तो कहाँ तक तैयारी पहुँची मैंने? तैयारी सारी हो चुकी है, इंतजार हो रहा है। आने से पहले मैंने इसे प्रैंक किया था कि मैं नहीं आ रही, तो इसने खट करके कॉल कट कर दी। और ये भी बताइएगा मैंने सही किया या गलत किया, सब इनसे ही पूछ लेते हैं। तो गाइस कैसी लग रही है बिनिश मेरी दोस्त? बिनिश ने फुल ब्लू पहना है और मैंने फुल पिंक पहना है। हाँ प्यारी तो तुम लग रही हो, ऐसे जो बात है। तो गाइस चलिए चलते हैं, अभी तो हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ, आगे चल के देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। और अभी तो बिनिश साथ ही है हमारे, मैं भी इधर ही हूँ, देखते हैं कब इवेंट ख़त्म होता है, तो कब हम लोग केक खाएंगे, केक तो चलिए गाइस साथ रहेगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कर दें, मेरा हार्ट टूट रहा है यार शूट करके। गाइस के पीछे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि सारे लोग हेलो कर दो, यहाँ केक कट हो गया। तो जी गाइस ये हैं बहुत सारे बच्चों के गिफ्ट रैपर्स और ये मून का केक आधा हो चुका है। हेलो बर्थडे बॉय, गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊं, अब थोड़ा सा जो है वो साउंड वगैरह बंद हो गया है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सेटअप था और बड़ा इन्जॉय किया हमने। केक पे कट हो चुका है, सबको गिफ्ट्स भी मिल चुके हैं और ये बच्ची को भी गिफ्ट मिल चुका है और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। गाइस हम लोग देख सकते हैं सब सुकून से बैठ गए क्योंकि केक कट हो चुका है, बड़ा मज़ा है, बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटेड अस बिनिश। वैसे बिनिश और मैं बहुत अच्छे और बहुत क्लोज और बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे बिनिश वाहिद वो बंदी है जो मेरे अच्छे वक्तों में आया ना, लेकिन मेरे बुरे वक्तों में हमेशा मैं सेट करती हूँ, तो इसलिए मेरा आना यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं भी बुलाती तो क्या, सो ये देख लें पीछे आ गई, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय कर रहे हम लोग। और साथ साथ आप लोगों ने मेरे साथ रहना, मैं आगे भी खाऊँगी आपको, बहुत अच्छी छोरी है यार। गाइस एंजॉय अ लॉट, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, बड़ा मज़ा आ रहा है। और मानो को क्या हुआ है, मानो को क्या हुआ है,
और ये पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड में जितना भी कुछ नजर आ रहा है ना, हम रूम के कमरे में, जो विनेश का बेटा है, जिसकी बर्थडे है, जो बर्थडे बॉय है, आज हम उसके रूम में बैठे हुए हैं। तो शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्लैट से जाहिर है घर छोटा है और सब बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं सबकी, मीन्स कंजेस्टेड हो जाती है जगह पर, बहुत सारे गेस्ट, बहुत मज़ा आया। लेकिन विनेश, हाँ विनेश के साथ आज का मेरा व्लॉग है, तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आज का व्लॉग, लाजमी कॉमेंट्स में बताइएगा। और मैं कैसी लगी, मेरी तैयारी कैसी लगी, विनेश कैसी लग रही है, पूरी ब्लू बनी हुई, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लू और वाइट का थीम है, लेकिन हमने थीम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने क्योंकि हमारा अचानक अचानक प्लान बना आने का हमारा प्लान नहीं था, कल तो हमें पता लगा, फिर जो मिला बस झटपट पहन के वहाँ। सो बड़ा इन्जॉय करो, हम दान को भी खाते केक लगा हुआ है सारा मुँह पे और बहुत इन्जॉय करें, केक वेक तो हो गया और केक बहुत मज़े, बहुत ज़्यादा मज़े। कौन सा फ्लेवर? तो कॉफी फ्लेवर जो मुझे पसंद है, कैरामल क्रंच। कैरामल क्रंच बहुत मज़े का था। और अब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद देखते हैं क्या होता है और फिर घर भी निकलना है, ज़्यादा देर होने क्योंकि ये बहुत दूर है ये जगह और मेरे घर से तो बहुत दूर। फाइनली हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब हम लोग जाने लगे हैं घर। आप लोग मेरी आज तक देख सकते हैं, मैं पूरी घर की बोलिए मैं आ चुकी हूँ, मेकअप वैकअप सब कुछ उतर चुका है मेरा। तो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो अब हम जाएंगे घर, आपसे घर पर मिलेंगे। तो फाइनली बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। और आज कपड़े बाल तो खोलने देती और हमारे ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे जल्दी से, मतलब और सारी खीर खा ली, सारे बादाम पिस्ते खा लिए इस औरत ने, नहीं बताना बादाम पिस्ते मैं खाती नहीं शौक से, झूठ बोल रही नहीं। और ना खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था सारा, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा। मुझे नींद आ रही है, मुझे चाय नहीं पिलाई, गैस ही नहीं है यार, उन्होंने सच में चाय पिला दिया, बोल रही है कि जो अपने घर पर जाके पी लिया। हाँ बोला है तो मैं घंटे में घर जाके एंड नहीं सकता, कर दूँ या यहाँ पे कर दूँ, घर जाके एंड कर देना ना, बुराई है। हाँ ना बुराई मैं देख लूँगी बाद में, कर देना बार बार के बुराई है। चलो यार कुछ कह दूँ सब्सक्राइबर्स, इनके सब्सक्राइबर मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इनके सब्सक्राइबर ने और क्या है जो यहाँ पर है वो वहाँ भी आ जाए, वहाँ वालों को मैं आने नहीं दूँगी। मैंने इसने मुझसे वादा किया कि ये वाली छुड़ियाँ ही मुझे गिफ्ट, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अल्लाह पाक मुझे लंबी जिंदगी दे, मानो क्या हो गया बेटे, सब बता देंगे जब जवान जवान लगनी शुरू होती हूँ, बहू लाएगी ना मेरी इंशाल्लाह, है ना, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, सब कुछ बनूंगी। मारा क्या हो गया, मार दो तुम मुझे पहले से, तुम लोग मार दो। सो चलिए गाइस ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मैं घर चलती हूं और नींद भी आ रही है, घर जाके चलो। अच्छा ड्राइव का भी बनाना, तमीज है। चलिए गाइस मिलते हैं। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, मैं भी फ्रेश हो चुकी हूं, वॉश कर लिया मैंने, अब मैं खुलने लगा अपना छोटा सा गिफ्ट, हम ब्रांड ने तो खोल खाल के उसको पूरा जो है ना फिनिश कर लिया। वैसे मैं लेना तो नहीं था लेकिन मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का, और ये पैकिंग भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है। तो सबसे पहले ये बिस्किट है, ये निम्को है, छोटी सी, अब लो चिली मिली कितनी छोटी सी हो गई, ये महंगाई की अलामत है, ये छोटा सा बिस्किट, ये सारी मेरी चीज़ें, ये बबल है मैं दिखाऊंगी, और ये दो टॉप, और रमदान ने तो अपना खोल खा के, इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ लग रहा है, इसके अंदर भी कोई सब कुछ, ये मेरा है, नहीं नहीं ये मेरा है, ये मतलब वापस डाले तो इससे पहले के कब्जा हो जाए, ये मेरे, ये आपका, ये तो ये का छोटा सा मेरा गिफ्ट, जो मुझे गिफ्ट तो नहीं था, बच्चों के गिफ्ट टाइम पर होते हैं मुझे मिला, तो मैंने सोचा आप जी गाइज वेलकम बैक, मैं घर आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, चेंज वेंज कर लिया और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो अब मुझे बड़ी ज़ोर की नींद आ रही है, तो मैंने सोचा अपने व्लॉग को मैं एंड कर लेती हूँ। और जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने जिक्र किया था एक चैनल का, उस चैनल का नाम है हाई फ्लेम 670। तो चैनल में आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उस पर रेसिपीज़ आती हैं, बहुत ही मोटिवेशनल चैनल है वो, अच्छे अच्छे से वो आई थिंक केक्स भी बना रही हैं और काफ़ी सारी रेसिपीज़ को वो डेली बेसिस पे शेयर करती हैं। तो जल्दी से जाइए उनको सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, न्यू चैनल है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है उनका चैनल, तो सपोर्ट करने में क्या चला जाएगा यार, सपोर्ट किया करें ताकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में सच्ची और एडिट करने में बहुत। और आज बहुत मज़ा आया, हमने विनेश के घर पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया,
और उसके बेटे की बर्थडे थी, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे कर, उसको बहुत सारी कामयाबी दे, आमीन। और बिनिश भी इसी तरह से अपने बच्चे की खुशियाँ देखना नसीब करे। तो अभी घर आ चुके हैं और चाय की तो बड़ा दिल चाह रहा है चाय पीने का, लेकिन अब मैं बस सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। सो गाइज चैनल आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ, उसके बाद मैं अल्लाह हाफिज़ करूँगी। जल्दी से जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे भी और उनके भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरी लास्ट दो वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो 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 मच। और जल्दी से मेरे 1K करवा दें और मैं सेलिब्रेशन करूँगी पक्का। तो जल्दी जल्दी 1K करवाइए ताकि मैं सेलिब्रेशन करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं और किस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ अपनी डेली रूटीन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते वो चैनल ज़रूर देख कर जाए। जी गाइज, ये चैनल है हाई फ्लेम के नाम से, ठीक है, हाई फ्लेम लिखना है आपने और 670 लिखना है, तो ये चैनल इनका ओपन हो जाएगा। मैं लास्ट वीडियो आपको दिखाती हूँ इनकी कौन सी थी, देखें, इन्होंने ये चॉकलेट ओरियो केक बनाया है, विस्पिट केक क्रीम बनाई है और काफ़ी सारी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज डाली हुई हैं इसमें, तो बहुत अच्छा चैनल है इनका। और ये बच्चों की एक्टिविटीज़ भी अपलोड करती हैं, वीडियोस इनकी कम है लेकिन माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर रहा है। तो 72 सब्सक्राइबर्स हैं इनके, जल्दी से जाइए इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से हाज़िर होंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।